Assalamualaikum, good morning, hello everyone, welcome back to my channel Kashish Food Indian Blogger. I hope you are doing good. और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी धूप निकल आई है. आज है 23 तारीख, कल थी 22 और धूप जो है बहुत अच्छी वाली निकली, बहुत अच्छी वाली, दिल खुश हो गया. और अभी कुछ देर में जो है ये जो स्वेटर नज़र आ रहा है ना, ये भी नहीं नज़र आएगा. और यहाँ पर जिया कर रहे हैं नाश्ता, ये देखिए. और नाश्ते में बनी है ज़बरदस्त सी सोया मेथी आलू की सब्जी. और कौन आया है अभी हम आपको दिखाते हैं. देखिए कौन आया है. अभी आपने कल वाले ब्लॉग में देखा था, लेकिन वो बासी ब्लॉग था एक हफ्ते का, यानी एडिटिंग नहीं हो पाई थी. भैया खड़े हो जाओ, सलाम दुआ कर लो सब लोग. अरे हम नाश्ता नहीं, मन नहीं कर रहा नाश्ता करने का. तुम भी करो भैया, तुम भी करो. इनका मुंह देखो, आशी देखो, आशी देखो. अरे कैसे एक्टिंग कर रहा अपनी दादी की तरह. बताओ कुछ है, बताओ तो कुछ बताओ अपने चैनल के बारे में. तो बताओ, आओ इधर आओ. अभी तो चैनल है. हाँ तो बताओ सबको, फातिमा की दुनिया. हाँ और बताओ आके, लाइक शेयर सब्सक्राइब. ये मेरी नकल बहुत मारता है ना बिटिया. ए बिटिया मेरी नकल बहुत मारता है ना. कैसे हम बोलते हैं बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब. नहीं हम कैसे बोलते हैं जब अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, तुम्हें याद है ना. बताओ पहले एक्टिंग करते थे जब मैंने नहीं नहीं ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो दानिश जो है बहुत ज्यादा एक्टिंग करता था. लो भूल गए, बता दो बिटिया इनको, याद दिला दो, याद आ जाए. ये देखिए धूप निकल आई, जल्दी बुझ जाती है मम्मी. ज्यादा फ्री फायर देखने लगे. देखो फ्री फायर से ये होता है कि दिमाग भी फायर हो जाता है. हाँ, दिमाग दिमाग नहीं रह जाता, फायर की तरह जल जाता है. तो फिर तो क्यों खेलते हो फ्री फायर, मत खेला करो, गंदी बात होती है. एक घंटा खेल लो बहुत है. ये वाले दांत जानू की तरह हो गए. जानू नहीं हंसता तो दांत पर आ जाता है. जानू खाना नहीं खाता है, अब एक रोटी खा के गया अभी. हाँ दो दिन से यही था ना, खाना नहीं खाता. जबरदस्ती का जो है मेरे लिए जो है सब्जी नाश्ता ले आई है सोया मेथी की, नहीं मन कर रहा खाने का. इसको तारे दे रहे हैं. करोगी नाश्ता, एक रोटी खा लो, खा लो. दानिश खाओगे, एक रोटी दे दो दानिश को, खा लो, खा लो एक रोटी. दानिश को गर्मी लगने लगी. तो ब्लॉग का मेन मकसद तो बताया नहीं. कल जो है मेरे पापा जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, शुगर नील हो गई थी, दांत बैठ गए थे, हाथ पाँव जो थे सारे जो है बेजान हो गए थे. ऐसे हाथ करो ऐसे ऐसे हो जा रहा था, बहुत ज्यादा 62 उनकी शुगर हो गई थी. कल सारा दिन हम लोगों का बहुत ज्यादा जो है ऐसे ही बस मतलब रोते हुए और अफसोस में गुजरा कि क्या होगा क्या होगा. लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला जो है हेल्प भेज देता है, तो हम लोगों के लिए भी एक हेल्प आ गई थी. और जैसा कि पहले भी ब्लॉग में बताया था कि हमारे एक मुंहबोले भाई हैं राशिद और खालिद, वो दोनों लोग जो है आ करके उन लोगों ने संभाल लिया. उन लोगों ने इतनी केयर की, अपने घर से बीपी मशीन और शुगर टेस्ट किया. उन लोगों ने बीपी टेस्ट किया, शुगर जो थी वो नील हो गई थी, तो उन्हीं लोगों ने ग्लूकोज, हम लोग जब तक पहुंचते हैं यहाँ से तो उन दोनों भाइयों ने सारी चीज़ें जो है कवर कर ली थी. तो ऐसा है. तो आज जो है मेरी बहनें यहाँ इकट्ठा होंगी,
और हम लोग अपना एक अच्छा समय गुजारेंगे, साथ में खाना खाएंगे और मम्मी पापा के लिए भी खाना लेकर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए फिर ब्लॉग तो अब स्टार्ट है, बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी। मेरे लिए क्या लाए हो? जलेबियाँ खोलो जिया दिखलाओ, जलेबी कुरकुरी कुरकुरी ला, मेरी प्लेट में रख दो। लो तो देखिए यहाँ पर जो है गिर गया और दानिश ने कॉल लगाई। और क्या, जो घर में कपड़ा पहने वही पहन कर चले आओ, और क्या। अरे जहे जोन से भी पहन लो, रहे ना तुमको वही तरह है मलिच्छन। ठीक है ठीक है, यहाँ कोई जिया को देखने वाले नहीं आने वाले ना तुमको। तैयार होगी नहा धोने? हाँ नहीं नहा नहीं, कपड़े भला वो ना आएंगे। सो क्यों उठी मैं, तो कांड हो गया तो इन्होंने जो है यहाँ पोछ दिया। जलेबी है देखिए, जलेबी खाकर कोई नहीं पहुँचता, बुलाना पड़ता है। सब तुम्हारे तरह, सब तुम्हारे तरह बिन बुलाए नहीं आ जाते। और मरियम की मम्मी जो है काफ़ी महीनों के, यानी 2 महीने के बाद आई है हमारे घर, और इसी जो है उनके आने की खुशी में हमने कहा महक की मम्मी को भी बुला लेते हैं। पहले तो हमने महक की मम्मी को फ़ोन किया कि आ जाओ, तो कहने लगी कि पहले जो है मरियम की मम्मी से पता कर लो फिर हम आते हैं। तो फिर हमने मरियम की मम्मी को फ़ोन किया, वो गेहूँ धुलने जा रही थी क्योंकि धूप निकल आई थी, तो हमने कहा गेहूँ जो है मत धुलो, तुम जो है आ जाओ। और महक की मम्मी भी आ रही, तो फिर जो है ये डिसाइड हो गया कि अब जो है ये लोग सब लोग आ रहे हैं तो अब जो है अच्छी सी दावत का एहतमाम करते हैं। कल सबका दिन इतना हैट्रिक गुजरा कि हम लोग बिल्कुल से सहम के रह गए थे, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना वो दुनिया की बहुत बड़ी दौलत होती है। तो अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को हमेशा जो है हिफ्ज़ो अमान में रखें, सेहत याब रखें, और हम लोगों को भी इतनी हिम्मत दें कि हम लोग जो है उनके लिए जो है जितना हो सके कर, उनकी खिदमत करने का मौका मिल सके वो हम लोग कर सकें। तो अम्मी को ना कलेजी खानी थी, मम्मी को मेरी कलेजी बहुत पसंद है, तो हमने मम्मी के लिए कलेजी मंगाया था और बिरयानी के लिए चावल भिगो दिए हैं और यहाँ पर जो है चिकन है। तो तकरीबन जो है ये जो है 1.5 किलो जो है चिकन है, 1.5 किलो से ऊपर ही है, और 1.5 किलो चावल है, यानी कि देखिए ताज़ा मुर्गा है और जैसे गोश्त खोला है अभी चिकन, वैसे ही देखिए इसमें से भाप निकल रही है ठंडक की वजह से। तो यहाँ पर जो है कलेजी वॉश करके कट करके चढ़ा दिया है, थोड़ी सी पक जाएगी, और मम्मी के लिए कलेजी निकाल कर रख दिया है वॉश करके। तो बस फटाफट से जो है ज़बरदस्त ही दावत का एहतमाम होगा और बस हम लोग साथ में जो है आज साथ में खाना खाएंगे और एक अच्छा वक्त गुजारेंगे, फिर खाना बनाकर मम्मी पापा के पास भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए मरियम की मम्मी और महक की मम्मी सब बाहर धूप में बैठी, मैंने कहा तुम लोग धूप में बैठो और जब धूप लग जाए, धूप चली जाए फिर अंदर आना। तो धूप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर जो है महक को हमने कहा कि आज खीर तुमसे पकवाएंगे, तो सुबह में ही हमने इन लोगों के आने से पहले जब ये तय हो गया कि ये लोग आएंगे ना, तो हमने कहा चलो आज शकरकंदी की खीर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है दूध चढ़ा दिया है, तकरीबन जो है 700 ग्राम के करीब दूध है, यानी 1 किलो में जो है जो आप जोड़ लीजिए कम थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने महक से कहा दूध पकने दो, और गंजी उबल गई थी उसे जो है हमने मैश करके रख दिया है, ठंडी हो गई है। और 4 अदद के करीब हमने छोटी इलायची ले ली, उसे अच्छे से अब हम लोग हरी इलायची कूट लेंगे। तो महक इसलिए बना रही हैं क्योंकि महक ने कहा हमें जो है शकरकंदी की खीर बनानी नहीं आती है, मम्मी हम बनाएं। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा महक हमें जो है खाला नहीं बोलती है ना, जानू हमें खाला बोलते हैं, मेरे दोनों जो है भांजे और भांजी जो है मैं मम्मी बुलाते हैं शुरू से, क्योंकि मेरे बच्चे बुलाते थे तो इन लोगों ने भी बुलाना शुरू कर दिया और हमें अच्छा भी बहुत लगता है। तो यहाँ पर देखिए महक ने जो है इलायची कूट ली है और यहाँ पर थोड़ा सा पानी मिला दिया 1 गिलास के करीब, ताकि जो जब दूध जले तो अब मतलब जब ये दूध पके इसको थोड़ा पकाया जाए तो इसका पानी जले, फिर दूध जो है अपनी असली वाली जो उसकी उसकी मतलब उसका जो गाढ़ापन है उसमें आ जाए। तो और एक तरफ कोरमा बन रहा है, तो यहाँ पर जो है गंजी जो है शकरकंदी वो जो है मैश करके रख दिया है किनारे, और अब जो है सारे लोग धूप से आ गए क्योंकि धूप अब बिल्कुल भी नहीं है।
तो यहाँ पर बड़े बड़े शेफ आज जुटे हुए हैं, यानी सारे लोग मिलकर कुकिंग कर रहे हैं। हम हैं, महक हैं, मेरी दोनों जो है मेरी छोटी बहनें हैं। बहुत अच्छा लग रहा था हमको, तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर में कोई जैसे कोई फंक्शन हो। तो हमने कहा जब ज़िया की शादी करेंगे ना तो ऐसे ही गहमा गहमी होगी और खूब हंसी मजाक। और इसी बीच हम लोगों ने खूब ज़्यादा हंसी मजाक किया, तो सब मिलकर कोई जो है बादाम काट रहा है, कोई कोई कह रहा है लाओ हम काजू काट दें। तो मिल बांट के प्यार प्यार से काम करने से ना इस प्यार से जो है काम भी बहुत जल्दी से जो है निपट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध में बॉयल आ गया है और अब इसके अंदर जो हमने इलायची कूट के रखी थी वो डाल दिया। यकीन मानिए अगर जाड़ों में आपने शकरकंदी की खीर नहीं बना कर खाया तो समझ लीजिए जाड़े में एक अच्छी सी रेसिपी आपने मिस कर दी। क्योंकि जो ये शकरकंदी होती है ना, ये जो है जाड़ों की सौगात होती है अल्लाह ताला का। ये जो सारी नेमतें होती हैं कुदरत हमें देती है, मटर है, गंजी है, गोभी है, ये सारे सीजनल वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं हमें ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है चीनी डाल दी, चीनी हमने बहुत कम डाली है, तकरीबन जो है 60 ग्राम के करीब, क्योंकि सब तो शुगर पेशेंट हैं तो इसलिए हमने जो है ज़रा सी जो है चीनी डाली, क्योंकि शकरकंदी जो है वो अपने आप में अपनी एक मिठास लिए होती है, वो मीठी होती है, तो वो डाल दिया। साथ में यहाँ पर पिस्ता, काजू, बादाम मेरे पास था वो डाल दिया है, किशमिश भी थी, नारियल भी था, मखाना भी था, लेकिन महक ने कहा कि मम्मी ये सारी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं तो ये सारी चीज़ें मत डालिए। अब ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और इंडक्शन पे बन रही, इसे सिम कर देंगे और इसे अब पकने देंगे जब तक ये आधी ना हो जाए। ठीक ही हम बनवा रहे हैं, सीधे की मम्मी खा रहे हैं। अरे इतना बर्तन निकालते हैं राजा के बर्तन लगेगा जैसे पूरे तुम किचन के सारे एक में अदरक, एक में लहसुन, एक में मिर्चा, एक में प्याज से जब भी बिटिया को लो कैमरे में तो माशाल्लाह खूबसूरत बहुत लगती है और ये कालिया तो अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ पर जो है टंकी बिरयानी बन रही है, देखिए ये बिरयानी, ये टंकी बिरयानी है, अगर आप चाहें तो फ्रिज बिरयानी बना सकते हैं। जिया कह रहे हैं कि फ्रिज बिरयानी बना लीजिए, फ्रिज बिरयानी आपने देखी कभी टंकी बिरयानी? ये अपने चैनल के लिए शूट किए पड़ी। हाँ तो वायरल हो जाओगी। तो लगभग किचन का जो है 75% काम जो है निपट चुका है और अभी जो है मेरे बहनोई भी आने वाले हैं। जिया को भेजा था रोटी लेने के लिए क्योंकि जब कोरबा बनता है ना तो उसके साथ जो है ये खमीरी रोटी और शीरमाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़िया गर्मा गर्म जो है होटल से रोटी लेकर आ गए हैं और ये हमारे बहनोई भी आ गए हैं, तो हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं आप भी यहीं पर ब्लैंकेट में हम लोग के साथ बैठ जाइए। तो बस बैठे थे, उसके बाद ये हुआ कि बिरयानी दम लग चुकी है तो अब जो है, और सबको भूख इतनी लगी थी कि बिरयानी का दम जो है हम लोगों ने 10 मिनट ही पहले खोल दिया, तो जिसकी वजह से जो है बिरयानी में थोड़ी सी कसर रह गई थी। लेकिन हम लोगों ने अपने खाने के बाद फिर से बिरयानी को दम पे लगा दिया था तो जिसके बाद जो है बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। तो यहाँ पर जो है खुशबूदार, मज़ेदार, जायकेदार कोरमा, ओए होए होए, जायके को हम किन लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करें वो समझ में नहीं आ रहा है। यकीन मानिए कि अभी ये वाले कोरमे की रेसिपी और ये जो बिरयानी बनी इसकी रेसिपी हमने नहीं शेयर किया, लेकिन अगर आप कहोगे इस वाले कोरमे की रेसिपी और बिरयानी की रेसिपी तो हम जो है इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर जो है शूट करेंगे, फिर आपके साथ जो है इसको शेयर करेंगे और आप जब खाएंगे और अपने मेहमानों को खिलाएंगे आपकी इतनी तारीफ़ें होने वाली हैं कि बस आप ही बार बार अपने मेहमानों के आने पर यही वाला जो है कोरमा बनाएंगे। और दानिश को तो बहुत कस के भूख लगी थी बेचारे को, वो तो बहुत देर पहले कह रहा था खाने के लिए लेकिन उसकी मम्मी ने उसको बिस्किट खिला दिया, कहा कि जो है अभी थोड़ी देर बिरयानी में जो है कसर रह गई है और इसी जल्दी जल्दी में चीज़ें जो है कभी जब भूख लग जाती है ना तो फिर आदमी जल्दी जल्दी सोचता बस जल्दी से खा लो, होगा कसर देखी जाएगी बाद में। तो यहाँ पर जो है सबका खाना जो है निकल रहा है और एक साथ दस्तरखान पर सभी फैमिली के लोग मिलकर खाना खाते हैं परिवार के तो बहुत अच्छा लगता है और दस्तरखान पे बरकत भी होती है और ये हमारे नबी की सुन्नत भी है।
और दावत का अहतमाम इसलिए हुआ क्योंकि इधर वाल 2-3 महीने से मम्मी पापा की तबीयत इतनी ख़राब चल रही है कि हम लोगों का जो पूरा दिन जो है, मतलब ये कई दिन ऐसे ही महीने समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा हैट्रिक गुजरा। एक पैर घर में, एक पैर जो है बाहर, घर के लिए दवा, अस्पताल, यही सारी चीज़ें। तो बस यही हो रहा था कि जल्दी जल्दी से खाना खाया जाए क्योंकि मम्मी पापा भी वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि उन लोगों को हम लोगों ने कहा था कि खाना लेकर के आएंगे। और ऐसे भी कल पापा की तो ऐसी हालत थी, हम सारे लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो यहाँ पर जो है अब खाना खा लिया है और हमने कहा बर्तन कोई ना वॉश करो, लेकिन जब तक खाना पैक हो रहा था तो हम मरियम की मम्मी कहने लगी हम धुलेंगे, महक कहने लगी बर्तन हम वॉश करेंगे, और हमारी जो बहन गुड़िया हैं यानी महक की मम्मी, उन्होंने कहा कि हम बर्तन वॉश करेंगे। अब ये तीनों चारों लोग आपस में झगड़ा करी, मेरी बहू करी हम किसी खाला से बर्तन नहीं वॉश कराएंगे। तो लेकिन तब भी जो जब तक वो खाना पैक करती करती मेरी बहू मम्मी पापा के लिए, उतनी देर में जो है मरियम की मम्मी जो है लग गई बर्तन वॉश करने में। और महक यहाँ पर जो है जो शकरकंदी की खीर है ना उसको इन्जॉय कर रही हैं और कह रही थी मम्मी बहुत अच्छी जो है खीर बनी है। तो यहाँ पर ये देखिए कोरमा बिरयानी और ये शकरकंदी की खीर और साथ में शिरमाल वगैरह हम लोगों ने मम्मी के लिए, पापा के लिए पैक कर लिया है। और अब फटाफट से जो है खाना पैक करने के बाद अभी नकाब ओढ़ेंगे और उसके बाद जो है मम्मी की तरफ निकलेंगे क्योंकि उनकी कॉल जो है आ चुकी है। अम्मी मेरी जरा भी कड़वा नहीं खा पाती, जरा भी, जरा सा भी अगर एक बूंद भी कड़वा हो गया ना तो भी समझ लो। तो आज जो है हम लोगों ने फुल एंजॉय किया है ना, पिज्जे वाले में पैक कर ले है ना मैं, आज मजा आया ना साथ में। ऐसे हम कहते हैं सब लोग एक दूसरे के हाँ महीने में के चक्कर लगा लेना चाहिए, है कि नहीं, है ना। अगला चक्कर बिटिया, हमने मुजक्की से दावत कई बार खुल के मान ली, मुजक्की ने दी नहीं कहीं नहीं। जिस दिन धूप रहेगी, सुनो तो, जिस दिन धूप रहेगी उस दिन अचानक से जैसे हमने आज तक प्रोग्राम बनाया वैसे ही कैमरा खोल के दावा ना लिए। हाँ आज आज नाना लोगों को ऑनलाइन खाना मिलेगा। हाँ तुम धुलने लगी, महक धुल लेती है, लाई लाई नहीं यार अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं सब नहीं करी है, फिर तो चिप चली गई होती। अरे ना कुछ हो गया, सारे बर्तन वॉश हो गए। क्या चीज ये, कौन सा पेड़ लगा? हाँ चल आम है। टाटा जाओ, शादी अकेले बैठे अंदर, पागल हो क्या? ये बैड मैनर्स होते हैं। चलो अब हम लोग जो है जा रहे हैं घर, यानी अपने मैके। और ये मरियम की मम्मी जो है ना ये वीडियो शूट कर रही हैं अपने चैनल के लिए, इसलिए थोड़ा पीछे रह गई। इनको ना फ्लावर्स जो है बहुत अच्छे लग रहे थे। पहले हट जा। हाँ जल्दी से आटा सान लो, बना दो। आटा सना रखा है, बना दो रोटी तवा चढ़ाओ। हाँ तो फिर क्या बनाने में कितनी देर? बैठो दानिश। हाँ बैठो। तो बस जो है यहाँ पर जो है खाना लगा रहे हैं, गर्मा गर्म रोटी बनेगी क्योंकि पापा जो है मेरे वो बाहर वाली रोटी यानी होटल की रोटी नहीं खाते हैं।
और अम्मी तो इसमें से कड़वा कुछ भी नहीं खा पाएंगी, तो मम्मी खाएंगी शक्करकंदी की खीर और शीरमाल। और यहाँ पर लगे हाथ रोटी बन रही है और बस पापा मेरे जो है मज़ेदार सा खाना जो है खा लेंगे। और जब भी हम लोग आते हैं ना, तो मम्मी पापा की कोई सेवा करने वाला तो है नहीं, और ना इन लोगों को, ना इन लोगों की कोई देखभाल करने वाला है। इसलिए आपको मेरे ब्लॉग्स में जो है हम बहनें ही नज़र आते हैं। और जब भी जो है मरियम की मम्मी आती हैं ना, या मेरी बहू आती है या महक आती है, तो ये लोग जो है बग़ैर मालिश किए नहीं जाते हैं। और इन लोगों को, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, दुनिया के हर जियो बूढ़े वालिदैन हैं, तो उनको ज़रूरत होती है अपने औलाद की, प्यार की, तहफ़्फ़ुज़ की और उनकी मोहब्बत की। उनके साथ बैठो ना तो माँ बाप को बहुत अच्छा। जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है। हम अपने कोई भी काम, ज़िंदगी का कोई भी काम हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप ही करते हैं। हमें चलना सिखाते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं और हमें हर एक चीज़ दुनिया की तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो उसमें से बहुत सारे जो है औलादें ऐसी होती हैं जो अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप को भूल जाती है और उनका साथ छोड़ देती है, और बस वहीं से उनकी आखरत उन औलादों के लिए ख़राब हो जाती है। माँ बाप अगर औलाद से नाराज़ भी हो जाएं तो आपको जो है उन्हें मनाना चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उन्हें रोज़ मनाइए, सुबह शाम मनाइए। आपने कभी एक गिलास चाय पीते हुए देखा? ये मेरी बहन पीती है, मेरे चचा की बेटी। एक गिलास चाय है, एक गिलास, ये देखिए। बाप रे बाप, रोजी तुम पी सकती है गिलास चाय? सच बताना, प्याली में दे दे। रोजी है? चाय पी लोगी? अगर पी लोगी तो तुमको 10 रुपए इनाम। हम पी लेंगे, हम ज्यादा नहीं पीते। इनाम के लिए तो फेंकेंगे नहीं। हाँ ये तो है, ये रखी गिलास चाय। अरे फबेहा, पढ़ती हो? किस क्लास में हो? भैया यहाँ जबरदस्ती की खातिर खाना। बस 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 बस, अरे यार। और फबेहा दाल मोट खाओगी? अभी हम दे रहे हैं आपको, रुक जाओ। ये देखिए हमारी आना है, देखो डब्बा खोलना। और मम्मी पापा को खाना खिलाने के बाद आप सोच रहे होंगे ये कहाँ की क्लिप थी, और लोगों को हम दिखाने लग गए तो ये हमारे चचा का घर था और ये मेरी जो सबसे छोटी चची हैं, तो ये बाहर खड़ी चाय पी रही थी और हम लोग मझले वाले चचा के घर से निकले थे बाहर। तो फिर चची से मुलाकात हो गई तो हमने कहा आए हैं, तो आज का दिन देख लीजिए कितना अच्छा गुजर गया। और मरियम की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सच में अगर आपको खुशी पूरा एक दिन अच्छा गुजार करके, सबसे मिल करके, सबके साथ खा करके अगर दिन अच्छा गुजर जाता है अपनों के साथ, तो वो दिन ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन होता है। और आज हम तीनों बहनों के लिए जो है ये दिन बहुत हसीन था। तो ये था मेरा आज का खूबसूरत सा ब्लॉग। आई होप जो है ये दावत वाला ब्लॉग, ये मोहब्बत वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।